भत्ते के खिलाफ क्रैकडाउन, बुकी भी और बुकियों से रबते वाले नहीं बचेंगे। शर्जील खान, खालिद अतीफ, नासिर जमशेद, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। वजीर दाखिला चौधरी निसार का बुकियों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। क्रिकेट में जुए को फरोग देने वाली तमाम वेबसाइट भी बंद कर दी जाए, वजीर दाखिला की हिदायत। स्पॉट फिक्सिंग पर मुल्की वकार मजरूह करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ FIA ने शिकंजा कस दिया। खालिद लतीफ और मोहम्मद इरफान पेश, दोनों क्रिकेटर्स ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। खिलाड़ियों के मोबाइल का रिकॉर्ड FIA साइबर विंग के हवाले, ईमेल्स और मोबाइल डेटा लिया जाएगा। कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती और फिरकावारियत में मुलव्वस अफराध के साथ नरमी करनी चाहिए। चौधरी निसार का कहना है 3,44,597 शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए। पश्तूनों के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड ज्यादा इसलिए हैं कि 35 लाख अफगान पाकिस्तान आए। लसानी बुनियादों पर कार्रवाई हमारा वतीरा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 20 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। जमानती मुचलकों पर दस्तखत नहीं हो सके, शर्जील मेमन कोर्ट और लिए बगैर रवाना हो गए। 6 घंटे से ज्यादा हाई कोर्ट में बैठे रहे, पूछते रहे, दोबारा गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। पहले पकड़ा फिर छोड़ा, अब कहती है फारूक सत्तार नहीं मिल रहे। MQM बानी फारूक सत्तार और शाहिद पाशा के वारंट गिरफ्तारी। अदालत ने खुशबख्त शुजात, अमीनुल हक और खालिद मकबूल समेत 150 मुजरिमों को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हज केस में हामिद काजमी, राव शकील और आफताबुल इस्लाम को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद काजमी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। राव शकील और आफताबुल इस्लाम सजा पूरी होने पर रिहा हो चुके। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, वजीर आजम का पाक अफगान सरहद खोलने का हुक्म। खबर एजेंसी में तुर्कम सरहद पर ट्रांसपोर्टर्स और अफगान बाशिंदों में खुशी की लहर। 1 महीने से ज्यादा अरसे तक बॉर्डर पर फंसी गाड़ियों और आम अफराद को आने जाने की इजाजत मिल गई। सियालकोट के हलका NA 110 में धांधली से मुतालिक केस का फैसला, ख्वाजा आसिफ की कामयाबी पर पक्की मोहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की नजर सानी की अपील खारिज कर दी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को रेलू कट्टा और भतीजर बॉलर करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाई कोर्ट में मर्दमशुमारी के तरीकाकार को चैलेंज कर दिया। मर्दमशुमारी में कई अहम मामलात को खुफिया रखा गया, मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है। वरहतुल्ला बाबर की दरखास्त, कहते हैं मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ्फुज़ात को दूर किया जाए। मुख्तलिफ सूबों और शहरों से शिकायत मिली। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर में पंजाब स्पीड के नाम से शुरू की जाने वाली बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने पंजाब स्पीड सर्विस की बस पर मुसाफिरों के साथ सफर भी किया। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को पेशावर के किस्साखानी बाजार में मद्दाहों ने घेर लिया। लोग बड़ी तादाद में बूम बूम आफरीदी के साथ सेल्फियां बनाते रहे। गैर कानूनी तारकीन के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को 3 माह की शाही मोहलत दे दी गई। मोहलत के दौरान वतन लौटने वालों पर किसी किस्म का जुर्माना भी आयद नहीं किया जाएगा। हॉलीवुड फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फैंटेसी और म्यूजिकल फिल्म ने 17 करोड़ डॉलर कमा लिए। एक्शन और एडवेंचर फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड मजीद 2 करोड़ 89 लाख डॉलर कमाकर दूसरे नंबर पर।